हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो। हेलो जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? ठीक हो? हाल ठीक है। ये क्या आप नाई की दुकान में बैठे हैं? मैं यहाँ स्पेन होता हूँ। स्पेन में? तो ये कहाँ बैठे हैं? नाई की दुकान लग रही है, हेयर कटिंग प्लेस। ये मेरी दुकान है नाई की। अच्छा, बाल काटते हैं? हाँ, बाल काट के ये दुकान है मेरी। अच्छा, कहाँ के बाल काटते हैं? क्या, कौन से बाल काटते हैं? कौन से को कटवा ले? जॉन से भी कटवा ले? हाँ। यानी आप वैक्सिंग वगैरह भी करते हैं लड़कों की? नो, सिर्फ हेयर। लो भाई, आप लोग देखिए, आप नई लोगों को ना लड़कों को बताने की जरूरत है। ये मर्द हमारे पाकिस्तानी आते हैं, आपने कितनी अच्छी आईब्रोज बनाई हुई है। क्या आप आईब्रोज बनाते हैं? मर्दों की नहीं बनवाते? क्यों नहीं बनवाते? नो, देखें आप अच्छे तरीके से, आपने आईब्रोज बनाई हुई है, आपकी दाढ़ी भी अच्छी नीट हुई हुई है। इस तरीके से मर्दों को रखना चाहिए ना। अब यहाँ आ जाते हैं मर्द, एक ब्राउ होती है उनकी, बिल्कुल यहाँ यहाँ तक बाल उगे। पैसे देने पड़ते हैं, ये नहीं आते। लड़कियों के मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो नहीं, लड़कों को भी बनवानी चाहिए। यहाँ तो लड़के भी बनवाते हैं। लड़के नहीं, यहाँ बनवाते हैं, स्पॉन्ज लड़के बनवाते हैं मेरे से काम। मैं, मेरे पास सिर्फ स्पॉन्जों का काम है, पाकिस्तानी नहीं है मेरी जहाँ पे आते। पाकिस्तानी नहीं आते? वो कहाँ जाते हैं? नाई की दुकान पे आते हैं वो। पता नहीं, वो मेरी जो जोन सी दुकान है, यहाँ सारा टूरिस्ट है। अच्छा 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 अच्छा, मैं बारसलोना सेंटर में हूँ। किसी और पाकिस्तानी ने दुकान खोल ली ना वहाँ पर, तो आपकी आधी कीमत में वो काट रहा होगा बाल। मैं 1000 यूरो इस छोटी सी दुकान का दे रहा हूँ रेंट। वाओ, हमारे यहाँ पर मैं जानती हूँ किसी को जिन्होंने एक दुकान खोली थी, ब्यूटी पार्लर खोला था, ठीक है ना, और सामने उन्होंने एक और चाइनीज ने खोल लिया। मेरे सामने वो चाइनीज की दुकान नजर आ रही है। तो होता ये था, वो $6 में आईब्रोज करती थी थ्रेडिंग, वो $3 में कर रही थी वहां पर, और मैं जहाँ पे मैंने खोला था, मैं वहां $10 से $11 चार्ज करती थी वैक्सिंग के। मैंने कहा यार ये देखो, तुम लोग हमारा बिजनेस खत्म कर रहे हो, जहाँ जाते हो। चाइना वाले तो और भी कम कर देते हैं, वो तो कहते वो सामने चाइना, वो मेरे सामने है। तो उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस कम होगी आपसे, है ना? हाँ, ये बात वो सामने चाइना की दुकान है, वो कहने है, नजर आ रही है ना? हाँ, दिख रहा है। तो आप कहाँ हो? स्पेन में कहाँ पर हो? बार्सिलोना। बार्सिलोना, बहुत पाकिस्तानी है वहाँ पे काफी सारे? बहुत ज्यादा फैमिली है, बहुत ज्यादा। अरे वो भी तो है ना वहाँ से, क्या नाम है वो बेकार सा आदमी जो है यार, उसका क्या नाम है, वो छोले खा के जो बोलता रहता है बार बार, सिंगर है कोई, रैपर, या मेरे दिमाग से नाम निकल गया, लंबी सी शक्ल है उसकी, क्या करता है? वो कहता है छोले खा के, छोले खा के, वो भी स्पेन बार्सिलोना में ही रहता है वो, कोई क्या नाम है यार, उसका नाम निकल गया मेरे दिमाग में से बिल्कुल। उसका यूट्यूब पे चैनल है। तो आप पार्लर का काम जानती हैं? कौन? आप पार्लर का काम जानती हैं? मैं बाल काटना नहीं जानती हूँ, मगर मुझे वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल्स, ये सारी चीजें आती है, मसाज, नेल्स, देखो मैंने अपने खुद नेल्स किए थे, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ऑल दैट स्टफ, वो मुझे आता है, मैंने पहले किया था। कनाडा में कैसा काम है ये? बहुत कंपटीशन है, अच्छा है या नहीं, मगर बहुत कंपटीशन है। मैं खुद अब सोच रही थी यहाँ पे स्टार्ट करना, घर पे से कितना सेल हो जाती है? मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, आई हैवंट बीन इन द इंडस्ट्री। बाल काटने का कितना पैसा लेता है उधर? किस चीज का? हेयर कट का? हेयर कट का, हाँ। मैं अगर एक नॉर्मल हेयर कट के लिए जाऊं तो ऐसी कोई सोलो लड़कों का करना हो? ओ, लड़कों का नहीं, मुझे पता, मैं इतना ही, ऐसे ही होता होगा $20 होते होंगे,
20 से ज्यादा नहीं होंगे लड़कों के कट के, आई एम प्रीटी श्योर $20। हाँ $20 बता रही हूँ आपको, जो लड़के होंगे 25 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी ट्रिम के लिए यहाँ पर 40-50। गर्मी है ठंड है? अभी तो गर्मियां चल रही हैं, मगर आज जरा वेदर ठीक है, आज अच्छा वेदर है, बहुत गर्मी भी नहीं है, बहुत ठंड भी नहीं है। हाँ इधर भी 2-3 माह गर्मी पाकिस्तान की तरह पड़ती है, यहाँ भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है यहाँ। हाँ यहाँ आज इतना वहाँ अच्छा आपके, मेरे पास यहाँ अमेरिकन आते हैं, आपके मुल्क के आते हैं, इंग्लैंड के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, जर्मन के आते हैं, हर मुल्क के लड़के काम करवा के जाते हैं। आज दो लड़के अमेरिकन थे, उनका मैंने काम किया है। अच्छा। डेली मेरे पास बाहर के ज्यादातर आते हैं, क्योंकि ये इधर बहुत बड़ा पार्क है इनका, बहुत बहुत मशहूर है, तो वो मेरे पास है ना, तो सब वहां घूमने आते हैं। वो बहुत बड़ा पार्क है उधर, इन्होंने बहुत सी फैंसी चीजें पड़ी हुई हैं पुराने जमाने की ना इनके, वो देखने के लिए आते हैं। तो इधर मेरे पास सारा ये सारा इस गली में टोटल टूरिस्ट गुजरता है। हाँ टूरिस्ट टूरिस्ट एरिया अच्छा रहता है, वहां पे बिजनेस भी सही चलता रहता है। हाँ चलो थैंक यू, मैं आगे बढ़ती हूँ, एक दो कॉल और लेती हूँ, फिर मैं जाऊंगी कुछ खाना वाना बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। तो कॉल कर लिया करें, मैं आ नहीं रहता हूँ। मैं देख जब आऊंगी लाइव वो तो ले लूंगी आपको कॉल पे, मैं अभी हाँ इतना मैं लाइव गपशप, करती चलो मैं भी यहाँ सारे के बैठा रहता हूँ, चलो आपसे गपशप लगा लूंगा। हूँ। अच्छा आप चले वहां पे ट्विटर पे आप फॉलो करें ना, हम ट्विटर पे स्पेसेस वगैरह करते हैं, वहां पर आप आके ज्वाइन कर सकते हैं हमको कॉल पे वहां पर। ठीक है चले सही है, ओके। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।